हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डीपीएस। सो गाइस, इन प्रीवियस वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे मल्टीप्लिकेशन। डू यू नो वन डिजिट मल्टीप्लाई वन डिजिट, टू डिजिट मल्टीप्लाई वन डिजिट, टू मल्टीप्लाई सिक्स इजकल टू ट्वेल्व, 14 मल्टीप्लाई टू इजकल टू 28। ओके स्टूडेंट्स, एंड थ्री डिजिट मल्टीप्लाई वन डिजिट। ओके, थ्री टू जा सिक्स, फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू कैरी वन, फोर थ्री वन जा थ्री वन फोर। ओके स्टूडेंट्स, यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग वन डिजिट का मल्टीप्लाई वन डिजिट के साथ, टू डिजिट का मल्टीप्लाई वन डिजिट के साथ एंड थ्री डिजिट का मल्टीप्लाई वन डिजिट के साथ सीख चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास आई विल एक्सप्लेन द वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके, मैं इस क्लास में आपको वर्ड प्रॉब्लम के बारे में क्या करूंगा, बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 68। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 68, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ईच बस हैज 49 सीट्स। मतलब प्रत्येक बस में आपको 49 क्या है, सीट है। हाउ मेनी सीट आर देयर इन टू बसेस। वैसे ही उसी प्रकार के दो बसे में टोटल कितने सीट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मतलब वैसे ही आपको उसी प्रकार के बस में कितने सीट होंगे। एक बस में आपको 49 सीट्स है, तो टू बस में कितने सीट होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इसे 49 मल्टीप्लाई टू। ओके, 9 टू जा 81 कैरी 1, 4 टू जा 8 एंड 9, योर आंसर इज 98। ओके स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 40 रोज इन रो ऑफ ट्री इन गार्डन। 40 रो है आपका एक गार्डन में पेड़ का। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 7 ट्री इन ईच रो। और प्रत्येक रो में यानी प्रत्येक कॉलम में आपके कितने हैं, 7 ट्रीज है, मतलब 7 पेड़ हैं। हाउ मेनी ट्री इन द देयर इन द गार्डन, तो टोटल कितने उसमें क्या हुए आपको, ट्री हुए। स्टूडेंट, दिस इज द वेरी सिंपल, 14 मल्टीप्लाई 7, 7 फोर जा 28 कैरी 2, 7 वन जा 7 टू 9, 98, टोटल ट्री 98। ओके स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए शॉपकीपर सेल्स 55 पॉकेट्स ऑफ बिस्किट एवरी डे। मतलब एक दुकानदार आपको प्रत्येक दिन 55 पॉकेट बेचता है बिस्कुट का। ओके, एक दुकानदार 55 पैकेट बिस्कुट का क्या होता है, बेचता है। हाउ मेनी पैकेट ऑफ बिस्कुट डज ही सेल इन 4 डेज, तो वो आपको 4 डेज में कितना बिस्किट क्या करेगा, बेचेगा। स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी सिंपल, 1 डेज ही सेल 55, तो 4 डेज तो मल्टीप्लाई बाई 4, 4 फोर जा 4 फाइव जा 20 कैरी 2, अब 4 फाइव जा 20 एंड 2 22, टोटल बिस्कुट 220। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रे हैज 24 पैट्रीज। एक ट्रे है उसमें 24 क्या है, पैट्रीज है। हाउ मेनी पैट्रीज एंड देयर 5 ट्रेज, वैसे ही 5 ट्रेज में कितने पैट्रीज बनेंगे। स्टूडेंट्स, यू फर्स्ट राइट 24 मल्टीप्लाई 5, 4 फाइव जा 20 कैरी 2, 5 टू जा 10 एंड 2 12, टोटल पैट्रीज इज 120। ओके स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 5, ए बुक हैज 162 पेजेस। ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि कोई भी अगर आपके पास कोई भी सब्टेंस या थिंग्स है तो उसके लिए हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन। हम लोग के पास किताब है, आई हैव ए बुक, बुक्स। किताबें हैं तो बुक्स होगा, और किताब है तो आई हैव ए बुक होगा। ओके, यानी काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेम है, वैसे ही एक बुक है जिसमें कितने पेज हैं बाबू, 162 पेज हैं। कितने हैं, 162 पेज हैं। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन ईच सच बुक। वैसे ही अगर आपको 8 बुक्स दिया जाए तो आपको टोटल कितने पेज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 में आपका 162 है, तो फर्स्ट लिखेंगे 162 मल्टीप्लाई बाई 8, फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 प्लेसेस। स्टूडेंट, 8 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 16 कैरी 1। ओके, 8 6 जा
48 or 1? 49, right? 9 carry 4. 8 4 ja 8 1 ja 8 a 4 12. Your answer is 1296. Okay, 1296. Okay, students, this is the very simple. And question number last, question number 6. There are 155 fishes in an aquarium. एक एक्वेरियम है जिसमें कितने मछलियां हैं? 155. ओके स्टूडेंट्स, जिसमें मछलियां रहती हैं, आपको घर में रखते हैं, उसी एक्वेरियम बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको 155 क्या है, मछलियां हैं. हाउ मेनी फिशेज डू 3 एक्वेरियम है? अगर वैसे ही आपको 3 और एक्वेरियम दे दिया जाए तो उसमें कितने मछलियां होंगी? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू राइट 155 मल्टीप्लाई बाई 3. 5 3 15 carry 1 5 3 15 16 carry 1 3 1 3 1 4. Total number of fishes 465. Okay students, total number of fishes 465. Okay, so students, so first you write questions, after that you solve it. Okay, and after that multiplication of two digit number by another two digit number. Ab hum log janenge two digit ke multiply two digit ke sath. Okay, aapne one digit ke sath, two digit ke sath aur three digit ke sath one digit ka multiply sikha. Ab hum log sikhenge two digit multiply by two digit. Just example, 31 multiply 23. Okay students, first multiply ones place. तो पहले हम लोग one place का multiply करते हैं. 3 ones जा 3, 3 3 जा 9. और students, जब हम लोग tens का multiply करेंगे तो one digit हम लोग left side क्या करेंगे, skip कर जाएंगे, यानी यहाँ पे cross देकर. और यहाँ पर 2 ones जा 2, तो 3 2 जा 6. और ये बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमें अंक के सामने ही अंक लिखना है, यानी डिजिट के सामने ही डिजिट लिखना है. कोई डिजिट के इधर और चाहे इधर लिखेगा तो आपको क्या होगा, ऐड करने में प्रॉब्लम होगा. ओके स्टूडेंट्स, 3 9 2 11 का 1 6 1 7, ऐसे हम लोग टू डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट पेज नंबर 70 you do it himself. Okay, have any doubt, any problem, you ask me. And one more things students, you always remember, any number multiply by 0 your answer is 0. Revise, 40 multiply 0 your answer, 4 multiply 0 your answer is 0, and 4 multiply 1 is equal to 4. Yani kisi bhi number mein agar hum log 0 se multiply karenge to wo 0 hoga. Number 1 digit ka ho, 2 digit ka ho, ya 3 digit ka ho, aur kisi bhi number mein आपको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर ही होगा. ये हमें याद रखना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट 3 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट, यानी 3 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट. स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि 487 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 1 डिजिट से आपको क्या करना है, करना है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 प्लेस, फर्स्ट हम लोग 1 प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 21, ओके, 8 3 24 एंड 2 26, एंड 4 3 12 एंड 1240. योर आंसर इज 1461. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यू सॉल्व इट टिल पेज नंबर 74 with multiple choice questions. Okay students, thank you so much. Have any doubt, any problem, you ask in class time.